ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी संतुष्टता और प्रसन्नता हमारे व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। भगवान के बच्चों की पर्सनालिटी कैसी हो जरा सोच लें। पर्सन जैसा वैसी उसकी पर्सनालिटी, चेहरे पर पवित्रता का तेज हो, नैनों में रूहानियत हो, होठों पर मुस्कान हो, मुख में हमेशा ज्ञान अमृत हो, अमृत की बरसात हो, भ्रकुटी से सभी के ऊपर रंग बिरंगी शक्तियों की पिचकारी पड़ती हो, हर कदम में पद्मों की कमाई हो, हाथ वरदानी हो, मुख भी वरदानी हो, ऐसी पर्सनालिटी हम सभी को अपनी बनानी है। जो आत्माएं अपनी वाचा को बहुत कम यूज करते हैं, 50 शब्द प्रयोग करने की जहां आवश्यकता हो, जहां वो 5 शब्दों में काम चलाते हैं, उनको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई योगी अगर इस तरह अपनी वाचा की शक्ति को बचाए तो उसे वाचा के सिद्ध होने का वरदान प्राप्त हो जाता है। और पवित्रता तो हमारी सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी है। बाबा ने कह दिया है, प्योरिटी ही सबसे बड़ी पब्लिसिटी का आधार है, क्योंकि जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, देव कुल की आत्माएं जिनके अंदर पवित्रता के बीज हैं, वो बाबा की ओर आकर्षित होती जाएंगी। हम अपनी प्योरिटी को बढ़ाएं, ये विश्व सेवा का आधार भी है। हमारी प्योरिटी प्रकृति को संपूर्ण बनाती है, पावन करती है, सतो प्रधान करती है। प्रकृति भी तमो प्रधान है, इसलिए मनुष्य को कुछ भी प्रदान नहीं कर रही है। हम प्रकृति से अन्न भी खींच रहे हैं, फलों में स्वाद नहीं रहा है। प्रकृति खाली होगी, उसे हमें पूर्ण करना है, भरपूर करना है, और ये काम करेगी हमारी प्योरिटी। और हमारी प्योरिटी से जब प्रकृति पावन बन जाएगी तो वो हमें सब कुछ प्रदान करेगी। तो हमारी पवित्रता से ये संसार धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। और इन मनोविकारों ने तो संसार को कंगाल बना दिया है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर प्योरिटी का तेज बढ़ाकर इस प्रकृति को भरपूर करें, ताकि ये हमें भरपूर करे, ताकि हमारा भारत फिर से हीरो का मटका बन जाए, यहाँ धन धान्य अथाह हो जाए, किसी को कोई कमी न रहे, सब स्वस्थ हो जाएं, यहाँ सभी निष्पाप हो जाएं, सभी के अंदर पवित्रता का तेज आ जाए, ये हमारा परम कर्तव्य है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो जो हजारों में खड़े होते भी हम सबसे अलग दिखाई दें, चेहरे पर दिव्यता। सचमुच कितना बड़ा आकर्षण है। आज चाहे मनुष्य कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसका मन उदास हो तो उसकी सुंदरता किसी को भी आकर्षित नहीं करती, प्रिय नहीं लगती। लेकिन किसी ब्राह्मण योगी आत्मा का चेहरा भले ही बाह्य रूप से सुंदर न हो, लेकिन उसमें रूहानियत की सुंदरता हो, वह आत्मा सभी को आकर्षित करती है। तो हमें तो देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करना है बाबा की ओर। हम अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को बढ़ाते चलें। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, जिसको भी देखें वो आत्मा है, और उसे हमें पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, इस वमन का अभ्यास करेंगे, और मुझसे पवित्रता की पिचकारी, सफेद रंग, गोल्डन कलर्स की पिचकारी, जिसको भी हम देखते हैं उसके ऊपर पड़ती है, ये बहुत अच्छा योगदान होगा पवित्रता का। सभी आत्माओं को इससे चारों ओर का
वातावरण भी पवित्र होगा और अनेक आत्माओं को पवित्र बनने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी। तो हर घंटे में आज दो बार सभी को इस तरह पवित्र वाइब्रेशंस देने का अभ्यास करेंगे। ओम। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।